भ्रम है मुसलमानों को बरगलाने का। मेरा सीधा संदेश है, हम उर्दू का भी स्थानीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा नौ ही है जो टीआरआई की रिपोर्ट कहती है। जगन्नाथ महतो जी कहते हैं इस आंदोलन का पूरा क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं, कहते हैं कि पलामू गढ़वा में अगर हिम्मत है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति में तो वो पलामू गढ़वा में वापस करके दिखाए। पहली बात तो जगन्नाथ महतो का बयान सुनने के बाद आने वाली पीढ़ी उन पर हंसेगी, वे मंत्री हुए हैं, इसका मतलब झारखंड के कोने कोने तक अगर किसी की पहुंच है शक्ति है तो जगन्नाथ महतो की है। हमारा आंदोलन धर्म स्टूडेंट है, हम लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग धनबाद और बोकारो में आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई आप मंत्री हैं, अगर आप इस तरह का बयान देंगे तो लोग आप पर आने वाले दिन आपके स्टेटमेंट पर हंसेंगे। अभी झारखंडी लोग थोड़ा सा अभी भी पढ़ समझ नहीं पाए हैं, वे चिंतनशील नहीं हो पाए, अन्यथा मंत्री जी के बयान पर लोगों की हंसी आएगी। आप मंत्री हैं, आप में सामर्थ्य है तो आप 1932 के खतियान को लागू करें। दूसरी बात, आप में सामर्थ्य आदरणीय मंत्री जी तो आप हटाइए पलामू लातेहार गढ़वा, आपका क्षेत्र है, आप वहां जाकर हटाइए। हम कौन होते हैं, हम तो धनबाद और बोकारो स्टार्ट की, हाँ पलामू के लोग अगर बुलाएंगे आंदोलन में साथ देंगे हम वहां भी जाएंगे, हमने तो कहा हम तालिबान भी जाएंगे, बशर्ते हमारा जो गाड़ी का पेट्रोल खर्चा है भाई देना होगा, हम एक स्टूडेंट है, हमारे पास ये इतनी राशि नहीं है, तो हम तो वहां भी जाएंगे। इस लड़ाई का अगली रणनीति क्या है? इस लड़ाई की अगली रणनीति है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति और उद्योग नीति। इन नीतियों के बिना झारखंड की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, झारखंड लगातार छला जाएगा, झारखंड लगातार ठगा जाएगा। इसलिए जब तक इन नीतियों का खतियान आधारित तय नहीं होंगी तब तक झारखंड में लड़ाई जारी रहेगी, जंग एक लंबे समय तक चलेगी कोई बात नहीं है, लेकिन हक और अधिकार की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, हम इस लड़ाई के लिए तत्पर हैं।